हेलो, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स की साइड से. सबसे पहले तो एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं मैं. क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम, जो ये आरआरबी की एनटीपीसी की वैकेंसीज थी, ये कब आएगा, नोटिफिकेशन कब पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? अब ये सब पता भी चल जाए तो मैम, इसकी तैयारी कैसे करनी? अब होता क्या है यहाँ पे, देखो मेन प्रॉब्लम क्या है. मैं इस सेशन को आपके सामने क्यों लेके आई हूँ, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. मैं इस सेशन को इसलिए लेके आई हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे. बट आप भूल जाते हो कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत वक्त से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनकी तैयारी कर रहे हैं. आप उनसे कॉम्पिटिशन करने वाले हैं तो नोटिफिकेशन का वेट क्यों कर रहे हो तैयारी करने के लिए? मैं तो कहती हूँ अभी से, आज से, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो. जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा अच्छा आपको सक्सेस मिलेगी. रिवीजन इज द की. हम पढ़ाई में एक चीज बोलते हैं ना कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस. वही एक चाबी है जो आपको सक्सेस दिला सकती है. हम सिलेबस तो कितनी भी बार, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ने में जो बोरियत आती है ना, उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं लगता. बट वही है जो आपको सक्सेस दिलाएगा. 3 बार 4 बार आप जितनी बार जिस चीज का रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपकी रिटेनिंग पावर यानी कि आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज्यादा फैक्ट्स याद रख पाओगे और उतनी आसानी से आप पेपर में अपेयर हो पाओगे. तो नोटिफिकेशन की तो आप टेंशन लेना पहले छोड़ दो, बट फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैम नोटिफिकेशन इस टाइम तक आएगा, तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है एग्जाम डेट ये है, उस हिसाब से हम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे. तो हम इसके बारे में बात करते हैं. तो आज हम बेसिकली किस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, वैकेंसी कब तक आएगी, सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे होगी इसके बारे में, और साथ ही साथ कितनी आपकी पोस्ट आ रही है फॉर ग्रेजुएट और फॉर अंडर ग्रेजुएट, क्या सैलरी होती है, सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं. ये रहा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने पहले आपका एक एनुअल कैलेंडर निकाला था आरआरबी रिक्रूटमेंट के लिए. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो जनवरी मार्च का पीरियड था, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ALP का आएगा और उसके अकॉर्डिंग आ भी गया नोटिफिकेशन, एग्जाम की डेट सब कुछ आ गई. अप्रैल जून में बताया था कि टेक्नीशियंस का आएगा, ये भी आ चुका है. जुलाई सितंबर में बोला था कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल 2-3 लेवल 4-5-6 आपका यहाँ पे आएगा. अब ये अभी तक नहीं आया है अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल टाइम टेबल. जो इन्होंने अपना एनुअल रिक्रूटमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग नहीं आया है, बट देखा जाए तो सितंबर अभी भी चल ही रहा बाकी है आपका. तो जो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, जो मैं पॉसिबिलिटीज बोलूंगी, शॉर्ट शॉर्ट जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में हमें इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा नॉन टेक्निशियल टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए यानी कि एनटीपीसी के लिए. अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 एंड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की. तो आगे इसकी बात करते हैं. यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ आपका जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपको मिल जाएगा. ठीक है, बाकी तो जो ALP थे और टेक्नीशियंस थे उसका आपका हो चुका है जनवरी मार्च और अप्रैल एंड जून में. अगर हम लोग यहाँ पे कैलेंडर की बात करें तो आरआरबी ALP 2024 में जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी थी वो आपकी कुछ 18,000 अराउंड थी. नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था 20 जनवरी को, जैसे वहाँ पे बताया था एग्जाम ऑफ डेट आपकी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक की दी हुई है. RPF कांस्टेबल एंड SI यहाँ पे दिया हुआ है. टेक्नीशियन का बात करें तो यहाँ पे 14,200 सम वैकेंसीज है. 9 मार्च को इसका आपका नोटिफिकेशन आ गया था. अक्टूबर नवंबर में इसकी एक्सपेक्टेड पेपर डेट है. NTPC की हम लोग बात करें, जिसकी हमारा इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए हमने ये सेशन रखा है, उसकी अगर हम लोग बात करें कि कितनी पोस्ट आपकी आ सकती हैं, तो कुछ 10,800 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, दोनों के मिला के, फॉर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला के. ठीक है, अगस्त 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी जो हमें लग रहा है वो सेप्टेम्बर की फर्स्ट वीक हमें लग रही है. एग्जाम डेट अभी नोटिफाई होनी बाकी है. ठीक है, जो हमें अभी जो लग रहा है वो लग रहा है, क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने पर है, हमारा सितंबर का फर्स्ट वीक हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपका आ सकता है, तो हम इसको टारगेट करके चल रहे हैं. ठीक है डियर,
चलो यहाँ पे अगर हम नेम ऑफ पोस्ट और टोटल वैकेंसीज की बात करें कि कितनी आपकी पोस्ट आने वाली हैं और उसमें कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करें, तो आपका जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसमें आपके 4,300 वैकेंसी होगी, 4,300 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड बताई गई हैं, अभी इतनी आ सकती हैं इसके बारे में। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें आपकी 760 वैकेंसीज होगी, जूनियर टाइम कीपर 11 वैकेंसीज यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ट्रेन्स क्लर्क जो है इसमें 592 वैकेंसीज हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है 4,940 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ट्रैफिक असिस्टेंट 160 वैकेंसीज, गुड्स गार्ड 5,748 वैकेंसीज हैं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5,638 है, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है आपका 2,854 वैकेंसीज, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 3,147 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, सीनियर टाइम कीपर 6 वैकेंसीज एंड योर कमर्शियल अप्रेंटिस आपका 259 वैकेंसीज। तो जो स्टेशन मास्टर हैं वो हैं आपकी 6,865 वैकेंसीज, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ये एक्सपेक्टेड वैकेंसीज बताई गई हैं आपकी कि कुछ इतनी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो यहाँ पे आपके पेपर की पैटर्न की जब बात होती है तो ये CBT 1 और CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, दो टायर होते हैं इसमें, 1 और 2 दो बेसिस पे होते हैं। ठीक है, पहले की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं CBT 1 में, मैथमेटिक्स होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके और 30 ही मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस हो जाती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की यानी टोटल 100, और जो ड्यूरेशन आपको दी जाती है ये 90 मिनट्स होता है। ध्यान रखना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये वन है आपका। सेकंड की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका हो जाता है मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का चल रहा है आपका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स का आपका ये है, टोटल 120 क्वेश्चन ही होते हैं बट ड्यूरेशन वही सेम है आपकी 90 मिनट्स, 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए बट ड्यूरेशन हमारी अभी भी सेम ही है, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट की कितनी आपकी इनिशियल पे होती है, इनिशियल पे की हम लोग बात करें किस पोस्ट पे कितनी पेमेंट सैलरी आपको मिलती है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैफिक असिस्टेंट जो है लेवल 4 पे ये दिया जाता है, तो ये है आपका 25,500 इनिशियल पे की मैं बात कर रही हूँ बच्चे, इनिशियल पे आपकी यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें गुड्स गार्ड की, तो इसकी होती है 29,200, ये इसको जब हम फाइनल करेंगे तो ये अराउंड आपका 40-45 तक ये पेस जाल चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हम बात करें लेवल 5 की है ये, तो ये 29,200 इसकी पे है इनिशियल पे। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 5th लेवल ही है ये भी, तो 29,200 सेम। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम सेम टू 29,000, सीनियर टाइमकीपर की भी सेम है, कमर्शियल अप्रेंटिसेस के जो लेवल 6 का है उसकी है 35,400, उसके अलावा स्टेशन मास्टर 35,400, यानी ये सब कौन से हैं आपके फॉर ग्रेजुएट लेवल, लेवल 4, 5, 6 हमारे कौन से हो गए बच्चे, ग्रेजुएट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपकी अंडर ग्रेजुएट की लेवल 2, 3 की, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900 हो जाती है, सेम आपकी अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है और जूनियर टाइम कीपर की भी होती है। उसके बाद ट्रेन्स क्लर्क की भी आपकी सेम है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो कि लेवल 3 है इसकी 21,700 इनिशियल पे है। ये आपकी किसकी है बच्चे, ये आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे किसकी तैयारी करनी है। अगर आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है RRB के लिए साइंस की, तो उसके लिए एक स्पेशल बैच आ रहा है अल्फा बैच, ये प्रॉपर आपका साइंस ओरिएंटेड बैच है। हमें पता है कि साइंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एग्जामिनेशंस में और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं कर सकते, आसानी से स्कोर कर सकते हो, बस ये है कि दिमाग और दिल में डर सा बैठा दिया है लोगों ने कि साइंस बहुत टफ होती है,
बायोलॉजी की वोकैबुलरी याद नहीं होती है, केमिस्ट्री के हमें केमिकल रिएक्शंस याद नहीं होते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होती है, बहुत स्कोरिंग होती है अगर आप बिल्कुल कट टू पॉइंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से पढ़ते हो तो। एग्जाम से बाहर का लेके बैठोगे तो ऑब्वियसली टफ लगेगी, जो आएगा नहीं उसे पढ़ोगे एक तो टफ लगेगी, ऊपर से टाइम वेस्ट होगा। आपको ज़रूरत है क्या करने की, अपने सिलेबस को कट डाउन करने की, कैसे, एक रोड मैप बना के। रोड मैप कैसे बनेगा, जब आपको एग्जाम के बारे में पता होगा कि हमें इतना ध्यान रखना है, इस तरीके से पढ़ना है और इतना ही मैं कवर करूंगा, इस बुक को फॉलो करूंगा और एक पर्टिकुलर टीचर को मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। जब आप अपनी सारी चीजें कट डाउन कर देते हो, सिलेबस अपने आप आसान हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई टीचर अलग पढ़ा रहा होगा, सब एक जैसा पढ़ाते हैं, सब वही सेम कंटेंट है, बस आपको जरूरत क्या है कि एक चीज पे स्पेसिफिक रहने की, एक चीज को टारगेट करके रखने की, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, फैकल्टी रखो तो एक रखो, बुक रखो तो एक को फॉलो करो। अगर आपको बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बैच है, अल्फा बैच है आपका, कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके, 27 अगस्त से एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं आज से, और 16 सितंबर से आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, प्री प्लस मेंस टारगेटेड बैच है आपका, यहाँ पे रेलवे को स्पेशली टारगेट किया गया है, NTPC ग्रुप डी LP, तो NTPC के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि साइंस के लिए अच्छी क्लासेस मिल जाए तो इसे जरूर एनरोल कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड एनीथिंग साइंस को लेके या NTPC को लेके या एग्जामिनेशंस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हैव अ नाइस डे, ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी।